तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीपेट 2022 एंट्रेंस क्वेश्चन में जो ईबीएस में क्वेश्चन आए थे उसका सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि द इनमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी, जो कि है सिलिकॉन एंड निकेल। अभी क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो अगर हम क्या करेंगे ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसमें उसके वाटर के अंदर जो आयन का मोबिलिटी होगा वो इंक्रीज होगा, और आयन की मोबिलिटी के साथ ही जो सॉल्ट या फिर कुछ आयन्स रहेंगे वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर में, और उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। अभी थ्री में आ जाते हैं, यूट्रोफिकेशन इन वेटलैंड सच एज लेक्स इज कॉस्ट बाई, तो वेटलैंड में जो यूट्रोफिकेशन होता है मतलब कि अल्गी रिच हो जाता है, क्योंकि अल्गी का ग्रो को सपोर्ट करता है क्या है ना, फॉस्फेट। सो एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाई फॉस्फेट, ये जो है ये यूट्रोफिकेशन का कॉज है। अभी नेक्स्ट आते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉस्ट बाय, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होगा वो किसके कारण से होता है, वो ये नाइट्रेट के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अल्बेडो, तो अल्बेडो क्या है ना, जो जो कि सन का सोलर रेडिएशन इसके जिस चीज़ के ऊपर बढ़ता है जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है उसका अल्बेडो उतना ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा अल्बेडो स्नो का होता है, लेकिन इसमें स्नो नहीं दिया है, तो ये जो जो ऑप्शन में जो जो है उनमें से ड्राई सैंड का अल्बेडो जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या दिया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, तो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जो होता है वो ड्यूरिंग सोलर रेडिएशन से क्रिएट होता है, और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ए एंड ऑप्शन बी। सो में पैन या फिर ओजोन कुछ भी सही हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, दिया है कि नेचर ऑफ द स्पीसीज वेयर देयर इज नो कंपटीशन फ्रॉम अदर स्पीसीज इज कॉल्ड, क्या होता है, जब भी एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज का साथ कोई भी कंपटीशन नहीं होता तो उसका उस नीच को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल नीच। और ये जो रियल लाइफ नीच होता है इसमें क्या होता है ना, कंपटीशन के कारण उसका नीच छोटा हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर एट दिया है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेन ऑफ बायोटिक कंपाउंड व्हेन इट पासेस थ्रू फूड चेन इज कॉल्ड, तो जो इंक्रीज होता है क्या पोल्यूटेंट्स का, तो उसको हम ड्यूरिंग द ट्रॉपिक लेवल यानी फूड चेन के डिफरेंट लेवल में जो ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज, इसका आंसर होगा ए, द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन टोटल प्रोडक्शन, उसमें से हम रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं तो उसका हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन, तो इनमें से कौन एक्सीटू कंजर्वेशन नहीं, मतलब इनसीटू कंजर्वेशन ये इजी क्वेश्चन दिया है, ये होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉयल माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो सॉयल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो एक कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो सल्फर जो कि प्रोटीन एसेंशियल पार्ट है तो वो क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विच इज द हार्डेस्ट मिनरल ऑन द मोस्केल में, जो हार्डेस्ट मिनरल है वो है क्या है, तो वो है डायमंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाफलाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन 131 जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका हाफलाइफ होगा 8 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट प्रेशर ऑन वॉल इसका आंसर क्या होगा ना एंथैल्पी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज दी ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कुछ pH एच pH मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो भी है 3 यानी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा 11 क्योंकि टोटल होता है 14 तो इसका आंसर 10^-11। अभी तो ये रामसर कंजर्वेशन इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन ये तो इजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं दी बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड तो बायोडाइवर्सिटी डे हर साल May 22 को सेलिब्रेट करते हैं। नॉइज लेवल कैन रेंज फ्रॉम इसका आंसर होगा 80 to 120 decibel। अभी नेक्स्ट आ टेम्परेचर रीजन के कितना लैटिट्यूड पर जाता है 42-60 degrees एंड ये पिको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था ये कर्नाटक में हुआ था ये भी इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो किसके ऊपर डिपेंड होता है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये बर्थ रेट डेथ रेट आएगा तीनों के ऊपर डिपेंड होता है। दी ह्यूमन हार्ट इज व्हाट ऑफ दीज आई डिग आउट लेट देम क्विकली ग्रो अवर लेट नॉट हिट दे वाइटल्स एंड देयर थाइक हार्ट इच फ्रॉम ये आथर पे से लिया गया ये कोटेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं व्हाट आर वेरिएबल हुज कैलकुलेशन डन अकॉर्डिंग टू वेट डेट ये सब क्या है कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं जो कि पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स व्हिच इंपार्ट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शन इसको एक्सपोनेंशियल स्केल बोलते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं द अराउंड स्कोर्ड बाय बैट्समैन 5 per day ये सब एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला से आप करते हैं आंसर आएगा 26.79। और अभी 26 क्वेश्चन में आते हैं टू फाइंड द मोड ऑफ ऑल इस 7 कंसेक्यूटिव ये इजी क्वेश्चन है सब इसमें एक बार है लेकिन 13 दो बार है तो इसका मोड होगा 13 एंड दी ज्योमेट्रिक मीन इसमें काउंट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन को 1 × 3 × 9 = 27 × 381 √2³ क्या होगा सर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अभी वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है कांस्टेंट जो भी आप लेंगे उसका वेरियंस 0 ही होगा इसमें भी वेरियंस ऑफ कांस्टेंट का वेरियंस हमेशा 0 ही होता है। एंड हु पुट फॉर द व्यू द प्लान कम्युनिटी व्यू लेंस ऊपर लेंस ये एपिक लेंस जो रेटिकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये थ्योरी को दिया था। इन बोथ टेस्ट अकॉर्डिंग एनर्जी पिरामिड क्या होता है ऑलवेज अपराइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि ना एंड दिया है एटमॉस्फेयर CO2 कंसंट्रेशन इज 200 अबाउट ये वाला ट्रायल क्वेश्चन था इसका उत्तर 3300 होगा। मे भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैं आना बायोस्फीयर प्रोग्राम एंड डी होगा इसका आंसर। कुछ फेमस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम एंड ये क्या है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ये ओशन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिन्यूअल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा वो तो सनलाइट ही होगा। तो अभी नेक्स्ट CPCB स्टैंड फॉर क्या बोलते हैं CPCB है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक्स एंड लाइक से सब्सक्राइब आवर चैनल।